हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शाहउद्दीन। आज मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं और इन लोगों को मैं आज मेंटेनेंस के बारे में बताऊंगा कि जैसे में कौन सा ऑयल रहता है, कितना लीटर होता है, कहाँ से निकालेंगे और कहाँ से डाला जाता है। मशीन में कितने तरह का ऑयल होता है? सात प्रकार का होता है। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? इंजन ऑयल। ठीक है, जो की इंजन ऑयल देखिए आप, ये होता है अपना इंजन। ठीक है ना, ये इंजन का चेम्बर है। ठीक है, और यहाँ इसमें होता है इंजन ऑयल। इंजन ऑयल कितना लीटर होता है? 13 लीटर। अपने को इंजन ऑयल चेंज करना रहेगा। हम इस बोल्ट को खोलेंगे, इस बोल्ट को खोलने में पूरा ऑयल बाहर निकलेगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इंजन ऑयल डालेंगे कहाँ से। तो इंजन ऑयल डालने का दो रास्ता है। पहला तो ये है, ठीक है, इस ढक्कन को अगर आप खोलेंगे तो यहाँ से आप ऑयल डाल सकते हैं। इंजन का टॉप पे रहता है ढक्कन। ये दो तरीके हो गए इंजन ऑयल डालने का। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑयल कहाँ रहता है? तो ये है अपना ट्रांसमिशन बॉक्स। ठीक है ना, इसके अंदर में ट्रांसमिशन ऑयल रहता है। ट्रांसमिशन ऑयल कितना लीटर होता है? 16 लीटर होता है। ठीक है, जब आपको ट्रांसमिशन ऑयल चेंज करना होगा तो आप यहाँ से चेंज करेंगे। ट्रांसमिशन ऑयल डालने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जो कि ये जो हम ट्रांसमिशन ऑयल जो चेक करते हैं, गेज निकाल के इसको इतने से चेक करते हैं ना, इसको पूरा निकाल लेंगे आप बाहर। ठीक है, और फिर आप वहीं से डाल सकते हैं, वही एक रास्ता है। तीसरे नंबर में मैंने आप लोगों को क्या बताया था? एक्सल ऑयल। ठीक है, एक्सल ऑयल क्या होता है? इसको बोलते हैं पूरा एक्सल। ठीक है, और इसी के अंदर में होता है पूरा अपना एक्सल ऑयल। एक्सल ऑयल यहाँ से लेके यहाँ तक। एक्सल ऑयल कितना लीटर होता है? 25 लीटर होता है। ठीक है, एक्सल ऑयल को कहाँ से, अगर हम उसको चेंज करना रहा तो कहाँ से चेंज करेंगे? नीचे वाले बोल्ट से। ठीक है ना, डालना ऊपर से जी, डाला यहाँ से जाता है और निकाला यहाँ से जाता है। डालने का जो रास्ता है वो तीन रास्ता है। पहला तो ये चीज हो गया, इसको भी आप यहाँ से डाल सकते हैं। दूसरा आप यहाँ से डाल सकते हैं। ठीक है, ये है एलेंकी बोल्ट, 14 नंबर का यहाँ पे एलेंकी पाना लगता है। इसको खोल करके आप यहाँ से भी ऊपर कर लेंगे और यहाँ से डालेंगे तो पूरा की पूरा वहां तक चला जाएगा, वो टायर तक। ठीक है, यहीं से डाल सकते हैं पूरा। दूसरा जो वो टायर में भी ऐसा ही होता है, वहां से भी डालेंगे तो यहाँ तक आ जाएगा। तो समझ में आ गया आप लोग को? मैंने आपको तीन तरह के ऑयल के बारे में बता दिया है, इंजन ऑयल, ट्रांसमिशन ऑयल और एक्सल ऑयल। चौथे नंबर में मैंने आपको क्या बताया था? हाइड्रोलिक ऑयल। तो ये है अपना हाइड्रोलिक ऑयल का टैंक। ठीक है ना, ये हाइड्रोलिक ऑयल का टैंक है। इसमें कितना लीटर हाइड्रोलिक ऑयल रहता है? 130 लीटर। ठीक है, 130 लीटर हाइड्रोलिक ऑयल रहता है। इसको कहाँ से निकाला जाएगा? अगर बाय द वे हाइड्रोलिक ऑयल हमें चेंज करना रहा तो कहाँ से निकालेंगे इसको? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल्ट है ना, इस बोल्ट को खोलने के बाद पूरा ऑयल बाहर निकल जाएगा। जब भी आप हाइड्रोलिक ऑयल डालेंगे तो इसको यहाँ से डालेंगे और निकालेंगे वहां से। तो आप लोगों को समझ में आ गया। पांचवे नंबर में मैंने आप लोगों को क्या बताया था? ब्रेक ऑयल। अब मैं आपको बताऊंगा ब्रेक ऑयल कहाँ होता है। क्या है ब्रेक ऑयल? ठीक है ना, तो ब्रेक ऑयल जो है वो कितना, इसमें कितना लीटर होता है, इसको कितना लीटर बोलेंगे हम, या क्या बोलेंगे? 250 ml जी, इसको बोलेंगे 250 ml या 250 ग्राम बोल सकते हैं आप। ठीक है, बेसिकली इसमें हाइड्रोलिक ऑयल डाला जाता है। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ से खोल करके देख सकते हैं आप, देखिए इसमें हाइड्रोलिक ऑयल ही डाला जाता है ब्रेक ऑयल। ठीक है ना, ये चीज समझ में आ गया आप लोग को? इसको निकालने का तरीका यही कि यहाँ से जो है इसको निकालते नहीं कभी। ठीक है, वो यहाँ से जो है अपने आप ये ऑयल कम होता जाता है और डालने का जो है यहाँ से प्रक्रिया है। ठीक है, अगर आपको निकालना रहा तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं ऊपर। पांच ऑयल के बारे में बताते हैं अपना डीजल टैंक। ठीक है, डीजल टैंक कितने लीटर का होता है? 130 लीटर का। अगर बाय द वे हमें कभी डीजल चेंज करना रहा, ठीक है, अगर उसमें कुछ कचरा रह गया तो उसको हम कहाँ से चेंज करेंगे? ये देखिए, इससे क्या होता है, कभी अगर समझिए हमें डीजल निकालना रहा, कभी इसमें गलती से पेट्रोल आ गया तो उसको पूरा ड्रेन करना होता है। तो इस बोर्ड को खोल के आप पूरा ऑयल को बाहर या पूरा डीजल को बाहर निकालते हैं। समझ में आ गया। अब एक और रह गया है कि जिसमें जो है कूलेंट और पानी। तो कूलेंट कहाँ रहता है, पानी कहाँ रहता है, ये चीज मैं आपको भी दिखा दे। ये है रेडी वाटर। ठीक है, इसी के अंदर में होता है कूलेंट और पानी। समझ में आ गया, इसके अंदर क्या रहता है? इसको क्या बोलेंगे पूरा सिस्टम को? रेडी वाटर। तो आप लोगों ने देख लिया है कि मैंने अपने स्टूडेंट लोग को पूरा मेंटेनेंस के बारे में बता दिया है, ऑयल्स के बारे में, पर्टिकुलर ऑयल के बारे में कि कहाँ पे ऑयल, कौन सा ऑयल लगता है, कितना लीटर होता है, कहाँ से निकाला जाता है और कहाँ से डाला जाता है। तो आप लोग को पूरी तरीके समझ में आ गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को भी समझ में आ गया होगा कि ऑयल को कहाँ से निकाला जाता है और कहाँ से डाला जाता है, कितना लीटर होता है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। फिलहाल अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप लोग जैसे भी सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ट्रेनिंग सेंटर में आकर के जैसे भी सीख सकते हैं। अगर इंटरेस्टेड हैं तो डिस्प्ले पे जो नंबर है उस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं कि ट्रेनिंग का फीस कितना है और आपको कहाँ पे आना होगा और कितना समय लगेगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। फिलहाल मिलते हैं हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपने ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।